सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन ऑफ सीआरपी हिस्ट्री से संबंधित बात करेंगे, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किए हैं जो कि आ सकते हैं। दोस्तों, आपको जैसे कि पता, आपका एग्ज़ाम 19 अप्रैल को निर्धारित था, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा। हालांकि कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन मुश्किल है, आपका नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी करते रहना है, और तैयारी के साथ साथ जैसे समय मिल रहा है लोगों को तैयारी करने में, तो आपका कंपटीशन भी हार्ड हो रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात तो ये है, जिनका सर्विस ज़्यादा है उनको भी वेटेज दिया जा रहा है, तो जिनकी सर्विस कम है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अपनी मेहनत पर लगे रहो। प्रोफेशनल सब्जेक्ट आपका जो 70 क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी कोई पता नहीं है कि, क्योंकि पूरी सीआरपी हिस्ट्री, सीआरपी मैनुअल, सीआरपी एक्ट, सीआरपी रूल, सीआरपी के गेम संबंधी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 60 क्वेश्चन आपके जो हैं जनरल अवेयरेंस, यानी कि जनरल अवेयरेंस में मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए दोस्तों। जनरल अवेयरेंस में 25 क्वेश्चन तो आपके जीके और जीएस से आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर जीके, यानी कि जीके से आएंगे। करंट अफेयर का मतलब 6 महीने के लगभग करंट अफेयर। 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरेंस, यानी कि जो पुराने हैं, जैसे मुगल काल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछ लिया, भारत के नित्यों से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई मान लिया संविधान से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई मान लिया आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई ज्योग्राफी से, इस तरह 10-12 क्वेश्चन वो आते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन आपके जब सबसे महत्वपूर्ण है, जो जीके है ना, आपका 5 से 6 महीने का, उसको आप बिल्कुल वन लाइन, आपको जीके को पढ़ने के लिए दोस्तों क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, वन लाइन क्वेश्चन की मैं आपको इसी जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, इस महीने तो मैंने 40-40 क्वेश्चन के सेट बनाए, लेकिन इससे पिछले महीने जब यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो वहाँ पर एक साथ ही पूरे महीने के, चाहे 170 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 180 ऑनलाइन क्वेश्चन, आप उस वीडियो को 2 बार देख लो। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, आपको पक्का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और जीएस का पढ़ने के लिए आपको जो पिछला आपका नॉलेज है, क्योंकि जीके जीएस ऐसा है जो आप ज़्यादा मान लिया हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ोगे, लेकिन आपका जितना नॉलेज है आप उनके अनुसार कर पाओगे। आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, इसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे। किसी में 15 आ सकते हैं, किसी में 20 आ सकते हैं, लेकिन टोटल 60 आएंगे। 25 क्वेश्चन तो जीएस से या जीके से आएंगे ही आएंगे, जिसमें करंट अफेयर। उसके बाद आपके जो है बचते हैं 35 क्वेश्चन। 35 में हो सकता है 15 आपके रीजनिंग से आ जाए और 20 क्वेश्चन आपके मैथ से आ जाए, तो आपको मैथ की भी तैयारी करना है। साथ साथ में आपका जो हिंदी वाले हैं, मैं आपको बताऊँ, हिंदी का जो आपका ग्रामर में कुछ नहीं आता, हिंदी में सिर्फ ग्रामर आती है। उसमें हालांकि 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लिया आपका स्किल कम्युनिकेशन है, आपका लैंग्वेज है, और इसके अलावा आपका कंप्रहेंसिव है, लेकिन क्वेश्चन पूरे आपके जो सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ आपका ग्रामर है। ग्रामर में आपका अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, आपका तत्सम हो गया, आपके वाक्य के प्रकार हो गए, आपके दूसरा जो है कुछ शब्द हो गए, कुछ जो है आपके समास हो गए, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको भी कर लें। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज के जो है वीडियो पे। सबसे पहला प्रश्न है, केरी पुवल में कौन सी बटालियन अस्तित्व में नहीं है? कुछ बटालियन, 5 बटालियन ऐसी हैं जो बीच में अस्तित्व में नहीं है, यानी इनको तोड़ दिया गया था, 15, 17, 56, 57 और 59। दूसरा क्वेश्चन है, सेक्टर की कमांड किसके हाथ में होती है? तो दोस्तों, जो भी सेक्टर होता है, चाहे सेक्टर एडम सेक्टर हो, चाहे उप सेक्टर हो, सेक्टर की जो कमांड होती है वो पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी के हाथ में होती है, यानी कि सेक्टर में आईजी रैंक के ऑफिसर बैठते हैं। प्रश्न नंबर 3, आरएफ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रोफेशनल में, 7 अक्टूबर 1992 को हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। प्रश्न नंबर 5, आरएफ बटालियन में कितने अधिकारी होते हैं? तो दोस्तों, एक आरएफ की जो बटालियन होती है उसमें 24 ऑफिसर होते हैं।
छह है, आरब का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों आरब का भी जो है, आरब में भी सर्वोच्च अधिकारी आईजी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक ही होते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बीच बीच में मैं आपको जीके और अभी कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आपके जनरल अवेयरनेस में बहुत नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जिस दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी यानी कि 25 जनवरी 1950 में, उसी दिन को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आरब की यूनिफॉर्म में 5 चीज़ें जो अन्य से अलग करती क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को डाल रहा हूँ। सबसे पहले नीले रंग की डांगरी जो है उनकी, नीली वेरेट कैप, काला इंकलेट, काली वेल्ड, सफ़ेद कबूतर का चिन्ह, ये 5 चीज़ें हैं उनको दूसरी फोटो से अलग करती है। प्रश्न नंबर 10, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर को। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, टोटल 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के मुख्य निर्वाचन एवं अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन हैं? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री सुनील अरोड़ा, AIS ऑफिसर हैं। दूसरे जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं अशोक लांबा हैं, ये भी IAS हैं। और इसके अलावा दूसरे जो आयुक्त हैं वो सुशील चंद, भारतीय राजस्व सेवा आयकर के ऑफिसर हैं, यानी कि इनमें सेवा दे चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हॉट स्प्रिंग में शहीद स्मारक पर क्या लिखा हुआ है? दोस्तों जो एक जब 1959 को 21 अक्टूबर को चीन ने हमला कर दिया था, तो वहाँ पर कुछ दिन के बाद यानी 1962 को एक स्मारक बनाया गया, और उस स्मारक में दोस्तों पूरे देश के जितने भी पुलिस फोर्स हैं सभी ने अपनी भागीदारी निभाई, यानी कि पैसा दिया बनाने के लिए, तनख्वाह में एक दिन की तनख्वाह दी, और वहाँ पर बनाया गया स्मारक जो कि पूरे देश में एक फेमस स्मारक है। लेकिन उस पर लिखा गया क्या है? तो लिखा है, गौरवपूर्ण जीवन का भरा 1 घंटा गौरवहीन संपूर्ण जीवन से बेहतर है। बहुत अच्छा वाक्य लिखा गया है, यानी कि जिन सैनिकों ने वहाँ पर प्राण अपने नछावर किए थे उनकी याद में बनाया गया, और लिखा गया वहाँ पर गौरवपूर्ण जीवन का भरा 1 घंटा, यानी कि जो गौरवपूर्ण जीवन से भरा हुआ 1 घंटा है वह गौरवहीन संपूर्ण जीवन से बेहतर है। प्रश्न नेक्स्ट है, 14 नंबर, सन 1971 के युद्ध में कितनी बटालियों ने भाग लिया था CRPF की? तो दोस्तों 5 बटालियों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 15 है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का संविधान के जो है अनुच्छेद 244 से लेकर 2 निर्वाचन आयोग का वर्णन जो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में 324 से लेकर 329 तक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। प्रश्न नंबर 17 नेक्स्ट है, केरी पुवल में पहली बार देश के बाहर कहाँ, कहने मतलब CRPF पहली बार देश के बाहर कहाँ पर तैनात की गई थी? तो दोस्तों पहली बार जो है श्रीलंका में, उसके बाद तो बहुत देशों में जो है CRPF अपनी सेवा दे चुकी है। प्रश्न नंबर 18, केरी पुवल किस जवान को वीरता के लिए वीरचक दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ जो केरला में वो श्रीलंका में जो तैनात हुई थी वहाँ पर जो वीरता के लिए वीरचक दिया गया था वह सिपाही था मरणोपरांत सिपाही T. Mohan को दिया गया था। सेवा पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सिपाही विमला देवी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कितने जवानों ने अपनी जान गंवाई थी? टोटल दोस्तों जो श्रीलंका के अंदर हमारा फौज गई थी यानी कि CRPF गई थी वहाँ पर जो मिलिटेंट्स से लड़ते हुए, टोटल 15 जवानों ने जान अपनी गंवाई थी यानी कि शहीद हुए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ हमारे 20 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन 20 के बेहद महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।